नमस्कार साथियों, योगा की यूनिट हमने आज से शुरू करी है और उसी के रिगार्डिंग परिचयात्मक भाग आज सुबह हमने अपलोड कर दिया और उसी का टेस्ट पेपर अब आपके सामने है। मैं बार बार आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप टेस्ट पेपर को सॉल्व तब करें जब आप एक बार पहले आज उस सुबह के स्टडी मटेरियल का अध्ययन कर लें। यह है जो प्रक्रम है, यह है मैं आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, विश्वास मानिएगा। इस प्रक्रम से जब आप करेंगे तो आपके दिमाग के ऊपर ये छप जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्दी राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड शारीरिक शिक्षक की भर्ती आने वाली है और जब वो आएगी तो उस वक्त ये जो आपके इस प्रक्रम से किए हुए अभी टॉपिक्स हैं, जहाँ पर एक बार आप सब्जेक्ट मटेरियल को पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्न पत्र को आप पढ़ते हैं। देखिए, मैं प्रश्न पत्र उसी का देता हूँ जो सुबह स्टडी मटेरियल तैयार करता हूँ और फिर शाम को एलोब्रेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्यात्मक तरीके से आपको आंसर की बताई जाती है। तो यह होने से क्या होता है कि त्रिस्तरीय तैयारी होती है। हो सकता है आपको ये लगता हो कि ये लेंदी काम है, लेकिन देखिए भैया, ये एजुकेशन का चैनल है। शारीरिक शिक्षा की भर्ती परीक्षाओं को पास करना, नेट, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे एग्जाम में सफलता अर्जित करना, सफलता एक दिन में अर्जित नहीं होती, उसके लिए आपको लगातार सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का, योग से रिलेटेड जो है। योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? लैटिन, देवनागरी, युज या योग? लैटिन, देवनागरी, युज या योग? कहूंगा आपसे कि पहले प्रश्न के शब्दों को पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा प्रश्न आज का, योग को आधुनिक साहित्य में लिपिबद्ध करने का श्रेय है। दूसरा प्रश्न आज का, योग को आधुनिक साहित्य में लिपिबद्ध करने का श्रेय है स्वामी रामदेव, स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, भारतीय योग संस्थान। स्वामी रामदेव, स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, भारतीय योग संस्थान। अगला प्रश्न तीसरा है आज का, योग क्रियात्मक रूप से क्या कहलाता है? योग क्रियात्मक रूप से क्या कहलाता है? विषय, दर्शन, व्यायाम या उक्त सभी? विषय, दर्शन, व्यायाम या उक्त सभी? बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। योगा की प्रश्न के सॉरी योगा की यूनिट के जो प्रश्न है उनमें गलती होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। लिखने में, दिखने में योगा बहुत आसान दिखता है विषय, लेकिन वास्तव में होता बहुत टफ है। अगला प्रश्न, योग दर्शन में किसे दर्शन स्वरूप माना है? योग दर्शन में किसे दर्शन स्वरूप माना है? प्राण, समाधि, आत्मा, ईश्वर? प्राण, समाधि, आत्मा, ईश्वर। अगला छठा प्रश्न, समाधि को भक्ति की किस अवस्था से जोड़ा जाता है? समाधि को भक्ति की किस अवस्था से जोड़ा जाता है? सगुण, आंतरिक, निर्गुण या निम्न में से कोई नहीं? समाधि को भक्ति की किस अवस्था से जोड़ा जाता है? या भक्ति आंदोलन की बात हो रही है, इतिहास से जोड़कर देखा जाएगा आपको। रेफरेंस प्रश्न का अगर आप सेट करना सीख गए तो कभी लाइफ में गलत नहीं हो पाएगा, इसलिए आप प्रश्न का रेफरेंस देखिए। यह भक्ति आंदोलन के रेफरेंस में बात कर रहा है कि समाधि को भक्ति की किस अवस्था से जोड़ा जाता है? सगुण, आंतरिक, निर्गुण या उक्त में से कोई नहीं। सातवां प्रश्न, योग दर्शन को मानने वाले ईश्वरीय स्वरूप लोग क्या कहलाए? योग दर्शन को मानने वाले ईश्वरीय स्वरूप लोग क्या कहलाए? आस्तिक, नास्तिक, योग प्रणेता या योग साधक? आस्तिक, नास्तिक, योग प्रणेता या योग साधक? अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, भारतीय साहित्य में तत्वज्ञान का अर्थ है? भारतीय साहित्य में तत्वज्ञान का अर्थ है दर्शन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, मनोविज्ञान या भौतिक विज्ञान? भारतीय साहित्य में तत्वज्ञान का अर्थ है दर्शन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, मनोविज्ञान या भौतिक विज्ञान? अगला प्रश्न, शाशु अनिशिष्टो शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मात्रा लगाना भूल गया। शाशु अनिशिष्टो शब्द का अर्थ क्या है? जीवन शिष्टाचार, अनुकरणीय व्यवहार, खेल शिष्टाचार, शारीरिक शिष्टाचार? जीवन शिष्टाचार, अनुकरणीय व्यवहार, खेल शिष्टाचार या शारीरिक शिष्टाचार? अगला प्रश्न, यह अंतिम प्रश्न है आज का, योग साहित्यिक रूप से क्या कहलाता है? योग साहित्यिक रूप से क्या कहलाता है? विज्ञान, दर्शन, विषय या उक्त में से कोई नहीं? बहुत गौर से समझिएगा और बहुत गौर से उत्तर दीजिएगा। योग साहित्यिक रूप से क्या कहलाता है? विज्ञान, दर्शन, विषय या उक्त में से कोई नहीं? इन 10 प्रश्नों को आप दिमाग में सेट करिए, इनका उत्तर दीजिए। थोड़ी देर बाद शाम को इनकी आंसर की अपलोड होगी, उससे आप मिलान कीजिए, देखिए किस तरह से आप शारीरिक शिक्षा के किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो मित्रों, यह
सॉरी, एक अंतिम प्रश्न और रह गया है, मैं भूल चूक कर गया काउंटिंग में। योग विज्ञान में तत्व किसे माना है? योग विज्ञान में तत्व किसे माना है? आत्मा, प्राणवायु, समाधि, शरीर। योग विज्ञान में तत्व किसे माना है? आत्मा, प्राणवायु, समाधि, शरीर। तत्व दर्शन से आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये आज के सारे 10 के 10 प्रश्न, आप इनको सॉल्व कीजिए, उत्तर थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा। साथ ही पुनः एक बार आपको याद दिला दूं, ज्वाइन बटन को जरूर दबा लें, 59 रुपीज़ का चार्ज है। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के सेशन को लाइव करेंगे। लाइव में केवल वही लोग जुड़ पाएंगे जो कि एक बहुत छोटा सा अमाउंट है उसको देकर हमारे मेंबर बने हैं। यह एक परिवार है जिसके अंदर आप उसे शुल्क ना समझे, यह यूट्यूब का शुल्क है, इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आगे लाइव के अंदर साथ ही साथ वो जो लाइव का वीडियो अपलोड होगा वह भी केवल मेंबर लोगों के लिए ही होगा, आम लोग उसे नहीं देख पाएंगे। बाकी आम लोग निराश ना हो, हताश ना हो, जो सभी लोग सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और सारे वीडियोस उनके लिए अपलोड रहेंगे। केवल लाइव स्ट्रीमिंग के जो सेशंस होंगे वो लाइव स्ट्रीमिंग हमारे मेंबर भाइयों बहनों के लिए होंगे। तो नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। नए रूप में आपको पुनः योग की मैं यूनिट्स को लाता रहूँगा, इसकी आंसर की का अवलोकन जरूर करें।